गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज हम पढ़ेंगे टर्म टू का चैप्टर वन डिवीज़न. डिवीज़न को हमने तीन से चार तरह से हमें सॉल्व करना सीखना है. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था तब भी मैंने यही सब बताया था. आज हम इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. डिवीज़न, डिवीज़न मतलब मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इट्स कॉल्ड डिवीज़न. ठीक है, पहले हम लेंगे, हमें डिवीज़न फैक्ट जानना है कि डिवीज़न फैक्ट क्या है और उसे कैसे लिखना है. ठीक है, अब सपोज़ मान लीजिए 15 रुपीज़ है मेरे पास और मुझे 5 पीपल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है. तो एक पहला तरीका ऐसा है, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम ही डिवीज़न का टॉपिक है तो हम स्टार्टिंग ईजी मैथड से स्टार्ट करें. ठीक है, 15 रुपीज़ है और 5 पीपल है. कितने पीपल हैं? 5, और हमें 15 रुपीज़ को उनमें इक्वली डिवाइड करना है. ओके, तो यहाँ पे हमने 5 बॉक्स बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5. सपोज़ ये 5 पीपल हैं और हमें इन्हें 15 रुपीज़ डिवाइड करना है. ठीक है, अब 1, 2, 3, 4, 5, राइट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. समझे आप मैंने क्या किया? मैंने 5 बॉक्स बनाए और 1 से लेके 15 तक नंबर्स बोलते गए और कंटिन्यू सब में एक एक डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना. पहले 1, 2, 3, 4, 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, देन 11, 12, 13, 14, 15. कंप्लीट हो गए. अब एक व्यक्ति को कितने रुपीस मिले हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3. सभी को कितने रुपीस मिले हैं? 3. हमने जब 15 रुपीस को 5 पीपल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हर व्यक्ति को 3 रुपीस मिले हैं. तो एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का. अगर इस तरीके से लिखा आया है कि 15 रुपीस अमंग 5 पीपल, हमें ये रुपीस की जगह कुछ भी हो सकता है, डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को करना इस मेथड से. ठीक है, अब डिवीज़न फैक्ट में आते हैं. तो डिवीज़न फैक्ट कैसे बनेगा? हमारा इसका आंसर आ गया 3 रुपीस. एक व्यक्ति को कितना मिला? 3 रुपीस. तो जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है वो क्या है? डिविडेंड. डिविडेंड को सबसे पहले लिखेंगे 15, देन डिवीज़न का सिंबल बनाएंगे, देन जितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट्स कॉल्ड डिवाइज़र. डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है? 5. और हमारा आंसर क्या आया? 3. कोशेंट. ओके, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइज़र और इट्स कॉल्ड कोशेंट. ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर रखो. जितने लोगों में हमें कुछ चीज़ें अगर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वो थिंग क्या है, टोटल क्वांटिटी क्या है, वो है हमारा डिविडेंड. जितने लोगों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है डिवाइज़र. और जितना हमारा आंसर आया है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, क्या नंबर, क्या क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो है कोशेंट. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई. देन डिवाइड को करने का सेकेंड तरीका है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने, मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉइन है 1-1 रुपीज़ के. ठीक है, और मुझे इन्हें 2 लोगों में देना है. कितने लोगों में देना है? 2 लोगों को इक्वली बांटना है, है ना. 6 कॉइन है और मुझे 2 में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये ध्यान अपने को ये करना है कि कितना एक व्यक्ति को कितना कॉइन मिलेगा. ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या है, ये मैंने कॉइन्स बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आ गया. देन ये क्या है? 2, जो डिवाइज़र है.
हम टू कर करके पहले हर स्टेप में उसे काटेंगे। पहले टू कॉइन्स को काटेंगे, वन टू, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब सेकेंड में हम फिर कॉइन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर, जो रिमेन है जिन्हें हमें काटा नहीं है, वन टू थ्री फोर। पहले सिक्स कॉइन थे, हमने टू क्रॉस किया फर्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास फिर फोर बचे। फोर में से हम फिर टू क्रॉस करेंगे। टू क्यों क्रॉस कर रहे हैं? क्योंकि टू हमारा डिवाइजर है, ठीक है। अब टू क्रॉस किया, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। देन क्या बचा? फिर से टू कॉइन बचे, फिर हमने क्रॉस किया, ये हमारा थर्ड स्टेप है। और हमारे पास क्या बचा? अब एक भी कॉइन नहीं बचा। सिक्स कॉइन को हमने टू टू करके क्रॉस करते गए, और हमें कितने स्टेप फॉलो करनी पड़ी? वन टू थ्री। तो हमारा आंसर क्या आया? थ्री। जितना स्टेप हम बढ़ेंगे वो हमारा आंसर है। ऐसे करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये भी डिवीजन को करने का एक मेथड है, राइट। अब बारी आती है नंबर लाइन की। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि किसी भी डिवीजन को करने के लिए नंबर लाइन बहुत ही इजी तरीका है। सपोज 10 को मुझे डिवाइड करना है 5 से, और मैंने इसे बोला है कि आप नंबर लाइन से सॉल्व करें। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें नंबर लाइन में शायद बच्चों को बहुत दिक्कत आई। किसी ने आंसर तो लिखा, लेकिन जो लाइन कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उसको सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल किस नंबर से लेके किस नंबर तक लेके जाना है और कहाँ ख़त्म करना है, ये बहुत कन्फ्यूजन था। तो मैं फिर से समझाती हूँ। नंबर लाइन में हमें, आप लाइन बनाए, नंबर आप कहीं तक भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 उसमें 10 तक तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारा डिविडेंड है, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, मैंने 14 तक लिखा, ठीक है ना। मैंने 14 तक लिखा, आप 15 तक लिखे, 20 तक लिखे, या 10 तक ही लिखे, लेकिन 10 तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ ये हमारा डिविडेंड है। अब ये इसका काम हो गया, 10 तक हमने यह नंबर शो कर दिया, ठीक है। अब बचा डिवाइजर 5। अब 5 का मीनिंग ये है कि हमें 0 से लेके 5 काउंट करके उस पर सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल, ठीक है ना। तो 0 से हमने पहले लिया 5, पहला तो 5 ही पर जाएगा, फिर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सेकेंड 5 किस पे आ रहा है? 10 पे। तो इस 5 से लेके इस 10 तक हमने फिर से एक हाफ सर्कल बनाया, ठीक है। तो हमारे कितने बने? 1 एंड 2, ये हमारा आंसर आ गया 2। सो सिंपल, ठीक है। तो ये तीन मेथड हुए, एक बॉक्स मेथड है, एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है, एक नंबर लाइन मेथड है, और जो एक्चुअल लास्ट मेथड है हमारा डिवीजन का, वो है मल्टीप्लिकेशन, जो हम टेबल की हेल्प से करते हैं। कोई भी डिवीजन, ये तो अभी छोटी क्लास में है तो आप इससे कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको यही मेथड हमेशा फॉलो करना है, मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको क्या करना है? सपोज 12 को मुझे डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। यही सब चीज़ें हमने लिखी है, लेकिन उन्हें करने का तरीका अलग अलग है। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है? इसको डिवाइड करना है 2 से, तो क्या करना पड़ेगा? ये है डिविडेंड और ये है डिवाइजर। हमेशा दिमाग में रखो, पहला जो डिजिट होता है वो डिविडेंड है, सेकेंड जो सिंबल के बाद है वो डिवाइजर है, देन हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें जो डिवाइजर का डिजिट है उसकी टेबल बोलनी है, उसकी टेबल से ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 2 की टेबल हमें तब तक बोलना है, तब तक लिखना है, जैसा भी आपकी प्रैक्टिस हो, जब तक उस टेबल में 12 ना आ जाए, ठीक है। अब 2 का टेबल हम बोलेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 and 2 10 20, ये हमारी पूरी टेबल है, ठीक है। अब इसमें 12 कौन से नंबर पे आ रहा है? ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, एंड ये हो गया 6 नंबर। तो 12 हमारा 2 की टेबल में कितने टाइम्स में आया? 6 टाइम में, 2 6 12।
दिस इज आंसर. आए समझ में? फिर से बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल देखें. यदि मुझे 10 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, तो 2 की टेबल में 10 कितने नंबर पे है वो हमारा आंसर है. उसके लिए टेबल लर्न होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. टेबल आपको 10 तक तो बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए. तो 2 की टेबल में 10 कितने नंबर पे आ रहे हैं हम यहाँ देखें, ये कितने नंबर पे? 5 नंबर. तो हमारा आंसर क्या है? 5, 2 5 10. इसी तरह ये चारों डिवीज़न के जो मेथड हैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. इसके जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी वो भी आपको सॉल्व करनी है. आज के इसमें पीडीएफ में मैं प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर दूंगी, लेकिन सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है. तो ये पहला बॉक्स मेथड, सेकंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, थर्ड नंबर लाइन एंड फोर्थ इज मल्टीप्लिकेशन टेबल, ठीक है. तो ये चारों से आपको बहुत हेल्प मिलेगी डिवीज़न को करने से. और टेबल लर्न नहीं करेंगे तो ये वाला मेथड आप नहीं कर पाएंगे. तो टेबल आपको 2 से लेके 10 तक अच्छे से लर्न करनी है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.